हेलो दोस्तों, छोटी बहू रानी किचन टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं छोटी मोटी सी बहुत सी प्यारी सी किचन टिप्स के बारे में। आज हम बात करते हैं मिक्सी के जार में लहसुन और प्याज की स्मेल को कैसे गायब करें। हम लहसुन और प्याज जब पीसते हैं तो इसमें बहुत जार में महक सी आती है, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर को लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है न्यूज़पेपर के, और इस मिक्सी के जाल में आपको अच्छे से अंदर कर देना है। और फिर इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देना है। आप एक चम्मच इसमें नमक डालेंगे और फिर आप इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आप पेपर को पूरी तरह डुबो देंगे और इसको साइड में रख देंगे। 10-15 मिनट जब ये पेपर पूरी तरीके से इसमें गल जाएगा तो इसके पेपर को निकालेंगे, और फिर जब आप देखिएगा कि इसमें से लहसुन और प्याज की महक एकदम से गायब हो जाएगी। दूसरी टिप्स है मेरी नींबू के छिकल को लेकर। आप जब नींबू का इस्तेमाल कर लें तो उसके नींबू के छिकल को ना फेंकें, बर्तन धोने वाले साबुन के डब्बे में डालें, यह विम बार का काम करेगा। तीसरी टिप्स है हमारी एक चने की दाल को लेकर। चने की दाल बहुत टाइट होती है, पकने में बहुत गैस खाती है, तो आप इसको जब भी चने की दाल को बनाएं तो आप एक घंटे पहले इसको पानी में भिगो दें और एक चुटकी आप इसमें सोडा ऐड करें। सोडा इससे क्या होगा कि आप जब इसमें सोडा ऐड करते हैं ना, तो ये दाल जो होगी अरहर की दाल की तरह ही एक दो सीटी में पक जाएगी। वरना आप चने की दाल को बनाते हैं तो ये बहुत देर तक इसको पकाने में गैस लग जाती है हमारी, तो आप इसमें चुटकी सोडा डालें। हेलो दोस्तों, एक और हमारी चौथी टिप्स है कि जब भी हम कोफ्ते बनाएं तो लौकी और पालक का जो पानी होता है जो बॉयल करते समय हम इसको फेंक देते हैं, तो इसको क्या करना है, हमको फेंकना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक वो होता है। तो इसके पानी को भी हमको क्या करना है कि जो ग्रेवी होती है ना, उसको ग्रेवी में ही इस पानी को डाल देना है, क्योंकि हम अच्छे से धो तो लेते ही हैं पालक और लौकी को, तो इसको जब हम मिला देंगे तो इसका पौष्टिक तत्व जो होगा वो पानी के थ्रू नहीं निकल पाएगा।